हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है खेल चिकित्सा शास्त्र यानी स्पोर्ट्स मेडिसिन। जैसा कि आप के जो बिहार स्टेट का फिजिकल एजुकेशन 19th का एग्जाम है फरवरी में ही हो जाएगा, और बीपीएससी तैयारी 3 जो है वो आपका मार्च में 20-25 मार्च के समथिंग हो जाएगा। तो आपके पास अब इसके लिए भी बहुत कम टाइम मिला है दोस्तों, इसलिए डेली बेसिस से मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और इससे पहले मैं TRE 2 BPSC के लिए टीचर्स के लिए 80 से अधिक वीडियो का प्रैक्टिस कर रही हूँ। उस प्रैक्टिस को फिर से जा करके करिए, और डेली बेसिस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी जिससे आपका सभी डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलते हैं आज के खेल चिकित्सा शास्त्र के टॉपिक को 3 पार्ट में हम कवर करेंगे ऑनलाइन क्वेश्चंस के माध्यम से। जैसा कि मैं खेल चिकित्सा के सभी पार्ट्स को 3 सेशन अच्छे से कंप्लीट कर चुकी हूँ। जाइए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, खेल चिकित्सा वो विज्ञान वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाकर के सभी टॉपिक को, चाहे मसाज हो, डोपिंग हो, चोटें हो, सभी को डिटेल में देखिए। तो दोस्तों, आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे आप जुड़ सकते हैं। डेली बेसिस यहाँ पे वीडियो अपलोड होता है, सभी टॉपिक सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी प्रकार की वीडियोज है, यहाँ पे 1000 वीडियो है। तो दोस्तों, जैसा कि चलते हैं खेल चिकित्सा शास्त्र के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाइपोकाइनेटिक रोग का क्या कारण है? तो इसका कारण है हड्डी और मांसपेशी कमजोरी से हाइपोकाइनेटिक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, बहुत से खिलाड़ी डायुरेटिक्स का इस्तेमाल एर्गोजेनिक एड्स के रूप में करते हैं, परंतु डायुरेटिक्स के इस्तेमाल से क्या होता है? तो डायुरेटिक्स के इस्तेमाल से मूत्र उत्सर्जन निष्कर्ष बढ़ जाता है। जैसे कि आपको पता है, जो डायुरेटिक्स होता है यह भार को कम करता है। डायुरेटिक्स क्या करता है? भार को कम करता है, और इसके सेवन से ज्यादा मात्रा में यूरिन बनता है और पानी मूत्र के रास्ते बाहर आ जाता है। 24 से 48 घंटे में लगभग 35% भार कम कर देता है। और दोस्तों, भार प्रयोग करने वाले खिलाड़ी ज़्यादा इसको, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो आदि खिलाड़ी, कबड्डी वाले इसको ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यदि और इसको महिला का मासिक धर्म समय को परिवर्तन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और इसको एनाबोलिक स्टेरॉइड के साथ या उसके बाद प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, जिससे कि पेशी के कर्स लुक दिखाई दे सके। और इसका 3 प्रयोग होता है, एक भार कम करने के लिए, दूसरा डोपिंग छुपाने के लिए, क्योंकि इसको प्रयोग से यह नहीं पता चल पाता है कि खिलाड़ी ने कौन सा रसायन या कौन सा डोपिंग ड्रग्स लिया है, और तीसरा महिलाओं के मासिक धर्म समय को चेंज करने के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाबोलिक स्टेरॉइड सीधे असर डालती है। तो एनाबोलिक स्टेरॉइड जो है दोस्तों, यह सीधे सीधे मांसपेशीय सहनशीलता पर असर डालती है, असीम शक्ति में वृद्धि कर देती है मांसपेशियों की। और एनाबोलिक स्टेरॉइड जो है खेल की दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग के रूप में प्रयोग होता है। एनाबोलिक स्टेरॉइड, जिसको शॉर्ट में AAS बोला जाता है, AAS यानी एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉइड। एंड्रोजेनिक से तात्पर्य होता है पुरुष तत्व यानी मस्कुलिनिंग, और एनाबोलिक से तात्पर्य होता है टिश्यू बिल्डिंग यानी ऊतकों का निर्माण। इस प्रकार ये पेशियों की ताकत व सहनशीलता में वृद्धि करके उत्तेजित कर देता है, और मानसिक रूप से अपने को मजबूत समझने लगता है खिलाड़ी। और इसके अंतर्गत और महिलाओं द्वारा, अगर महिलाएं इसको सेवन करती हैं एनाबोलिक स्टेरॉइड्स को, तो वो पुरुषों जैसे उसमें लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे दाढ़ी मूछा होना, आवाज भारी हो जाना आदि। और इसके अंतर्गत नैड्रोलोन, स्टेनोजोल, टेस्टोस्टेरॉन, ट्रेनबोलोन, मिथाइल टेस्टोस्टेरॉन, मिटोनोलोन, टेट्रा हाइड्रोजेस्टेरोन एंड स्टाइनोन आदि आते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्नायु तंत्र में दर्द का अनुभव कौन सा दवा के प्रभाव से कम हो जाता है? तो दर्द निवारक कौन है दोस्तों? नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स क्या है? इसको हम नार्कोटिक्स जो है, तो यहाँ पे मॉर्फिन है, मॉर्फिन जो है नार्कोटिक्स के अंतर्गत ही आता है।
तो जो नार्कोटिक्स होता है वो पापी नामक पौधों से निकले हुए ओपियम यानी अफीम से तैयार किया जाता है, और यह औषधि सबसे ज्यादा दर्द निवारक प्रभाव यानी पेन किलिंग इफेक्ट छोड़ती है। एंड दोस्तों, यह सबसे अधिक प्रयोग भारोत्तोलन मुक्केबाजी में प्रयोग होता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक चीज, यह एर्गोजेनिक दुर्ग नहीं माना जाता। क्वेश्चन आता है कि कौन सा डोपिंग एजेंट्स जो है वो एर्गोजेनिक दुर्ग नहीं माना जाता, तो नार्कोटिक्स नहीं माना जाता। दोस्तों, जैसा कि कभी कभी क्या होता है कि नार्कोटिक्स का प्रयोग करके खिलाड़ी जैसे दर्द का अनुभव नहीं होता तो इतना भार उठा लेता है जितना उसका क्षमता नहीं होता है, क्योंकि दर्द होता नहीं है, तो क्या होता है कि पेशियां जो है टूट जाती हैं, और इसलिए इसको कैरियर एडिंग इंजरी के अंतर्गत रखा जाता है। जैसा कि 1963 में बाल्टीमोर कोर्स की मृत्यु हो गई थी नार्कोटिक्स के सेवन से। नार्कोटिक्स के अंतर्गत मॉर्फिन, हीरोइन, पैथिडिन, एल्फाप्रोडाइन, एनिलेरिडाइन आता है। किसके अंतर्गत क्या आता है आपको याद होना चाहिए, तो मॉर्फिन, हीरोइन, पैथिडिन, एल्फाप्रोडाइन, एनिलेरिडाइन नार्कोटिक्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है वह ड्रग जिसके सेवन से केंद्रीय स्नायु संस्थान उत्तेजित होता है, तो उसे हम कहते हैं एम्फेटामाइन। क्या कहते हैं? एम्फेटामाइन। उत्तेजक के अंतर्गत हमारा एम्फेटामाइन आता है। जैसे कि उत्तेजक जो स्टिमुलेंट्स होते हैं वो दवाओं का एक समूह से संबंधित होता है, जो व्यक्ति में एकाग्रता, दर्द का आभास, तत्परता नहीं होने देता, एकाग्रता बढ़ाता है, तत्परता बढ़ा देता है, यानी कि CNS उत्तेजक है एक प्रकार की, माइंड सेंटर नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर देता है, प्रतिक्रिया समय को अच्छा करता है, थकावट की अनुभूति को कम करता है। उत्तेजक स्टिमुलस के अंतर्गत जैसे कि मैं डोपिंग के पाठ को ऐसे पढ़ाई हूँ दोस्तों कि ट्रिक के माध्यम से, कि कोई भी यूट्यूब वाले आपको ऐसा नहीं पढ़ाए हैं, आप थ्योरी सेशन जाके देख लीजिए, ट्रिक के साथ मैंने पूरा याद करवाया हुआ है। एक बार वीडियो देख लेंगे उसके बाद डोपिंग से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो उत्तेजक के अंतर्गत एम्फेटामाइन जिसे कि इसका ट्रिक है ABCCM है, ABCCEM। ए से होगा एम्फेटामाइन, बी से बीटा एगोनिस्ट, सी से कोकीन, सी से कैफीन, ई से इफिरिन, एम से मिथाइल एक्जामिनाइन। और एम्फेटामाइन को साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स भी बोला जाता है, और यह मोटापा घटाने हेतु प्रयोग किया जाता है और सहनशीलता को बढ़ाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA यानी वाडा। वाडा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वाडा की स्थापना हुआ था 10 नवंबर 1999 में, और स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में मुख्यालय है, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। वर्तमान अध्यक्ष हैं जान फाहे, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लोकप्रिय उत्तेजक ड्रग्स जो चाय, कॉफी, शीतल पेय, आहार की गोलियों आदि में पाया जाता है, उसमें कौन सा पदार्थ होता है उत्तेजक? कैफीन। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति किस ड्रग पर प्रतिबंध नहीं लगाता है? तो दोस्तों, शराब पर प्रतिबंध नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूरिनल ड्रग्स किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो रक्तचाप कम करने के लिए। नेक्स्ट है उपचय स्टेरॉइड यानी एनाबोलिक स्टेरॉइड किस तंत्र पर काम करता है? तो पेशियों की ताकत को बढ़ा देता है। नेक्स्ट, किस ओलंपिक खेल में डोपिंग टेस्ट शुरू हुआ था? तो 1968 मैक्सिको ओलंपिक में सबसे पहले डोपिंग टेस्ट किया गया, जिसमें वो स्वीडन की पेंटाथलिट गुनर लिलिंजेवाल पॉजिटिव पाए गए थे। और डोपिंग का प्रथम केस मिला था 1960 रोम ओलंपिक में, डेनमार्क का रोड साइकिलिस्ट था जो न्यूड एनमार जॉनसन नाम था उसका, और वह स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद मृत पाया गया, और रोनिकल और एम्फेटामाइन नामक दवा ले रखा था जो सहनशीलता को बढ़ाती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने कब नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी NDTL को मान्यता प्रदान की? तो 20 सितंबर 2008 को, याद रखिएगा। यानी वाडा ने कब नेशनल डोप टेस्ट को लेबोरेटरी को मान्यता दी? तो 20 सितंबर 2008 को। नेक्स्ट है
ड्रग को सुसुप्त करती है वह क्या कहलाती है? जो ड्रग के प्रभाव को सुसुप्त कर देती है वो सेडेटिव कहलाती है। क्या कहलाती है? सेडेटिव। नेक्स्ट, डोपिंग परीक्षण में जांच किया जाता है तो रक्त और यूरिन दोनों का जांच किया जाता है। नेक्स्ट है FIMS का मतलब क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मेडिको स्पोर्टिंग। नेक्स्ट है, जो दवाइयां PCO का परिणाम बढ़ाती हैं और PCO की संकुचन के लिए अधिक समय देती हैं उसे क्या कहते हैं? एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड। इसका याद रखिएगा, PCO की जब भी बात करें तो एनाबोलिक स्टेरॉयड ज्यादा राइट होगा। नेक्स्ट है, अपने अपने खेलों में अच्छे प्रदर्शन दिखाने तथा उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कौन से खिलाड़ी बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग करते हैं जिससे रक्तचाप में कमी आ जाती है, एकाग्रता बढ़ती है? तो दोस्तों, तीरंदाज और निशानेबाज ज़्यादातर बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें होता क्या है या स्पेशल गेम में प्रतिबंधित है, इससे हमारी जो हृदय जो धड़कन होती है कम होती है, कंपन कम होती है शरीर की, जिससे एकाग्रता वाले खेलों में फोकस करने में आसानी होता है। इसे तीरंदाजी निशानेबाजी में ये प्रतिबंधित है। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किए गए नारकोटिक्स के विभिन्न प्रकारों जो कि ओपियम तथा पापी प्लांट से लिए जाते हैं वास्तव में उनके लिए किस प्रकार के रूप में कारगर सिद्ध हुए हैं? तो ये दर्द विरोधी दवा के रूप में कारगर सिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यून सिस्टम कार्य प्रणाली को विकसित करने के लिए तथा मसल ब्रेक डाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी कौन सा फूड सप्लीमेंट लेते हैं? तो वो होता है दोस्तों ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन एक कृत्रिम रूप से प्रोटीन सप्लीमेंट है जो मसल ब्रेकडाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी फूड सप्लीमेंट लेता है इम्यून सिस्टम को कार्य प्रणाली को विकसित करने के लिए। एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट है, जब खिलाड़ी एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्टैकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वायु में टॉक्सिक सब्सटेंस को छोड़ने से रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं, जैसे एनक्लोजर प्रदान करना, रोशनदान लगाना, हवा को शुद्ध करना आदि। किस रूप में जाना जाता है? तो ये सब संरोधन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नाडा की स्थापना 2005 में 24 नवंबर 2005 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। इसका मुख्यालय भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली है। इसका मुख्यालय नाडा का, इसका मोटो है प्ले फेयर, याद रखिएगा। और नाडा के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है अनुराग ठाकुर, क्योंकि जिसके चेयरमैन होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? वो है अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान, जिससे नरकोटिक्स बनता है। नेक्स्ट है, शराब एक प्रकार का क्या है? तो यहाँ पे गलती दिया है दोस्तों, CNS उत्तेजक नहीं होता है, CNS अवसादक होता है, हमारे दिमाग को जो है भटका देता है, अनबैलेंस कर देता है। इसलिए ये शराब क्या है? एक CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम अवसादक है, उत्तेजक नहीं है। उत्तेजक तो आपका एम्फेटामाइन है, याद रखिएगा। यहाँ पे ए पॉइंट आपका गलत दिया है, यहाँ उत्तेजक नहीं रहेगा, अवसादक रहेगा। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक दवाओं का एक अंतःक्रिया जो इन दवाओं के अलग सेवन से अपेक्षित प्रभाव की तुलना में अधिक गंभीर प्रभाव पैदा करता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको सहक्रियाशीलता कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, छाती के बल लेटना, दाई हाथ ऊपर की ओर और बाई हाथ बगल में रखना, इसके बाद दाई बाह को सिर के ऊपर बाई ओर उठाना, बाई हाथ से नीचे दबाना और फिर बाएं नितंब को ऊपर उठाना, यह व्यायाम किस विकृति के लिए है? तो यह काइफोसिस विकृति के लिए है। काइफोसिस क्या होता है? जो हमारा पीछे वाला वक्ष वाला भाग होता है, पीठ वाला भाग, वो गोलकार के रूप में पीछे की तरफ बढ़ने लगता है, पीछे की तरफ उठ जाता है, तो उसे काइफोसिस कहा जाता है। काइफोसिस को गोल कमर एंड कुबड़ा आदि नामों से जाना जाता है।
श्रेष्ठ है औषधि सेवन विज्ञान का अन्वेषक कौन था? तो दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट है इस शक्ति स्पर्धा में धावक मूत्रवर्धक पदार्थों का सेवन क्यों करता है? तो मूत्रवर्धक यानी कि डायुरेटिक्स का प्रयोग वजन कम करने के लिए किया जाता है और डोपिंग को छुपाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फुटबॉल के खिलाड़ी एनाबोलिक स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं ताकि उनमें संचार हो। तो किसका संचार हो? एकाग्रता जुटाने की क्षमता, जिसमें मसल्स का शक्ति बढ़ जाता है। नेक्स्ट है फीटल एल्कोहल सिंड्रोम किससे संबंधित है? तो फीटल एल्कोहल सिंड्रोम विकासात्मक विकृति के लिए संबंधित है। नेक्स्ट है एक खिलाड़ी द्वारा अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए गलत तरीके से बाहरी पदार्थों के सेवन करने से को क्या कहते हैं? तो उसे डोपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है आईओसी ने डोपिंग को कितने श्रेणी में बांटा है? तो तीन श्रेणी में बांटा है, एक क्षमता बढ़ाने वाले, एक आपका ब्लड डोपिंग, एक आपका हो जाता है कि स्पेशल गेम्स में प्रतिबंधित। नेक्स्ट है डोपिंग के प्रथम वर्ग मादक पदार्थ सेवन वर्ग में कौन से दुष्ट आते हैं? तो दोस्तों प्रथम वर्ग में आपका उत्तेजक दवाएं, दर्दनाशक दवाएं, एनाबोलिक स्टेरॉइड, बीटा ब्लॉकर्स, डायुरेटिक्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, एनोजिप्स आदि आते हैं। इसको ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया हुआ है दोस्तों, आप प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थों में प्रथम वर्ग में आपका होंगे ए बी सी डी जी पी एन एस। इस ट्रिक से मैंने आपको बताया था ए से एनाबोलिक स्टेरॉइड, बी से बीटा टू एगोनिस्ट, सी से कैनाबिनॉइड्स, डी से डायुरेटिक्स, जी से ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, पी से पेप्टाइड हार्मोन्स, एन से नार्कोटिक्स, एस से स्टिमुलेंट्स। ऐसे करके मैंने ट्रिक से बताया हुआ है, डोपिंग वाले वीडियो को देख लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों मैराडोना, बेन जॉनसन आदि नामी खिलाड़ियों पर डोपिंग के कारण प्रतिबंध लगाया गया था, वह कौन सा दुर्ग लिया था? तो वह लगा लिया था नेड्रोलोन, जो एनाबोलिक स्टेरॉइड के अंतर्गत आता है। टेस्ट डोपिंग के अंतर्गत मूत्र के नमूने में कैफीन की मात्रा कितने यूजी प्रति एमएल से अधिक होना चाहिए? तो वो डोपिंग के अंतर्गत प्रतिबंधित होता है, तो 12 यूजी प्रति एमएल से अधिक कैफीन लेने से वह डोपिंग के अंतर्गत माना जाता है। कैफीन जो है विश्व का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उत्तेजक है, जैसे कि कैफीन चाय, कॉफी, कोला, ड्रिंक्स, अन्य उत्पाद में पाया जाता है, जैसे कोल्ड मेडिसिन, डाइट से संबंधित जो दवाइयां होती हैं सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट है एनाबोलिक स्टेरॉइड का पुरुष के किस हार्मोन से संबंध होता है? तो टेस्टोस्टेरोन से संबंध होता है। नेक्स्ट है पुरुष या महिला के डोपिंग में सम्मिलित होने का काल के पश्चात डोपिंग छोड़ने पर किस हार्मोन का स्तर नीचा हो जाता है? तो दोस्तों डोपिंग प्रयोग करने के बाद तुरंत तो प्रभाव बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन बाद में बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, तो टेस्टोस्टेरोन का स्तर नीचा हो जाता है। नेक्स्ट है हाइपोक्सिया का तात्पर्य क्या है? तो हाइपोक्सिया का तात्पर्य है ऑक्सीजन की कमी हो जाना उत्तकों यानी कोशिकाओं में। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया का क्या तात्पर्य है? तो मैंने आपको बताया है कि हाइपो का मतलब कम और हाइपर का मतलब ज्यादा। तो जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और ज्यादा मात्रा में जो है इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और चयापचय में मदद करता है। तो जब ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बढ़ जाता है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में ज्यादा परिवर्तित होने लगता है और रक्त में शुगर की मात्रा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? जब रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि जब इंसुलिन कम बनता है तो ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में कम कन्वर्ट हो पाता है, जिससे जो है ग्लूकोज जो है यानी शुगर जो है रक्त में बढ़ जाता है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है कैथेटराइजेशन, वस्तुतः डोपिंग के अंतर्गत प्रतिबंधित विधि, जिसका क्या तात्पर्य है? तो कैथेटराइजेशन में क्या होता है, एक विशेष नली से पेशाब को बाहर निकाला जाता है। दोस्तों जैसे कि कैथेटराइजेशन क्या होता है, जो कैथेटराइजेशन होता है
वो होता है आपका डोपिंग को छुपाने की विधि है। क्या है ये? डोपिंग को छल साधन, डोपिंग को छुपाने की विधि है। दो विधियां होती है, मूत्र के नमूने को विकृत कर देना जिसके अंतर्गत कैथेटराइजेशन होता है, जिसमें एक खास नली के द्वारा पेशाब की थैली से मूत्र बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा होता है यूरिन सब्स्टिट्यूशन या स्वैपिंग या एडल्ट्रेशन पोट्रिशन, जिसमें मूत्र के नमूने को ही बदल दिया जाता है। एंड दूसरा होता एक होता है एपी टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन की बढ़ी हुई मात्रा को छुपाता है। नेक्स्ट दोस्तों कि डोपिंग के परीक्षण के दौरान खिलाड़ी के मूत्र का परीक्षण करते समय कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो दो तकनीक होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक। नेक्स्ट है, बीटा ब्लॉकर्स को डोपिंग के रूप में क्यों प्रतिबंधित किया गया है? दोस्तों क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, इसकी वजह से रक्तदाब कम हो जाता है, हार्ट तथा शरीर का कंपन कम हो जाता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स जो कि डोपिंग के अंतर्गत प्रतिबंधित है, वह क्या कार्य करता है? तो वह रक्त के अंदर प्लाज्मा के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है, नीडिंग मसाज कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों जैसे कि मसाज चार प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने ट्रिक बताया था SPPS यानी कि स्ट्रोकिंग परक्यूजन, स्ट्रोकिंग प्रेशर परक्यूजन शेकिंग यानी कि सहलाना दबाना थपथपाना झकझोरना, जिसमें से सैकिंग दो प्रकार का होता है, एफिलरेज स्ट्रोकिंग और परक्यूजन यानी कि दबाना तीन प्रकार का होता है, नीडिंग यानी कि गूथना, पैट्रिसाज यानी चिकूटना, घर्षण यानी फ्रिक्शन। इसमें से जो नीडिंग मसाज है वो चार प्रकार का होता है, स्क्यूजिंग यानी निचोड़ना, स्टेशनरी यानी एक ही जगह पर दबाना, सर्क्यूलर यानी कि चक्रीय रूप से दबाना, आयरन मतलब स्त्री करने स्वरूप दबाना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्क्वीजिंग एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट है, परक्यूजन कितने प्रकार का होता है? परक्यूजन यानी कि थपथपाना मसाज जो है वह चार प्रकार का होता है, हैकिंग क्यूपिंग बीटिंग और पाउंडिंग। ठीक है, चार प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, पैराफिन यानी मोम का शरीर पर प्रयोग करते समय कितना तापमान होता है? तो दोस्तों मोम का प्रयोग ज्यादातर जोड़ वाले चोटों में या जैसे हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर खोलने के बाद ज्यादा प्रयोग किया जाता है मोम चिकित्सा पैराफिन बाद, तो इसमें 40 से 48 डिग्री तापमान रहना चाहिए। नेक्स्ट है, अवधि के आधार पर चोटों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो दोस्तों अवधि के आधार पर चोटों को तीन प्रकार में बांटा गया है, एक्यूट पोस्ट एक्यूट क्रोनिक इंजरी। एक्यूट जो होता है वो तुरंत यानी ताजी चोटें होती है जो 0 से 12 घंटे के अंदर होती है, पोस्ट एक्यूट जो 12 से 48 घंटे के अंदर होती है, एक क्रोनिक जो पुरानी चोटें हो जाती है 48 घंटे के बाद की चोटें। नेक्स्ट है, प्रकृति के आधार पर चोटों को कितने भागों में बांटा गया है? तो एक्जोजेनस एंड इंडोजेनस दो प्रकार में बांटा गया है, एक्जोजेनस एंड इंडोजेनस दो प्रकार में बांटा गया है अवधि के आधार पर। ठीक है, एक्जोजेनस यानी वह जो बाहरी कारणों से लगता है जैसे खेल उपकरण आदि से टकराकर, एंड एंडोजेनस जो अंदरूनी कारणों से लगता है जैसे कि मसल्स लिगामेंट्स एंड टेंडन्स में लगती है जैसे स्ट्रेन स्प्रेन क्रैम्प आदि, जिसका संबंध खिलाड़ी के शारीरिक दक्षता से होता है। नेक्स्ट है, घाव के कितने प्रकार हैं? तो चार हैं, पंचर इंसीजर लेसरेशन एब्रेशन। ये चार घाव के प्रकार होते हैं, जैसे कि पंचर मतलब छेद हो जाना, इंसीजर मतलब कट लग जाना, लेसरेशन मतलब रगड़ लगकर रक्त आ जाना, एब्रेजन मतलब लाल पड़ जाना रगड़ लगना। नेक्स्ट है, डोपिंग का पहला उदाहरण 1960 में रोम ओलंपिक में पाया गया था जो किससे संबंधित था? तो दोस्तों डोपिंग का पहला जो केस पाया गया था वो 1960 रोम ओलंपिक में पाया गया था, और उस खिलाड़ी का नाम था न्यूड एनमॉर्क जॉनसन, जो एक साइकिलिस्ट था डेनमार्क का। ठीक है, तो एक साइकिलिस्ट था वो। ठीक है, और स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद वह मृत पाया गया था, और वह रोनिकल और एम्फिटामाइन ड्रग्स ले रखा था जो अधिक सहनशीलता को बढ़ाती है। नेक्स्ट है, डोपिंग में पकड़े गए खिलाड़ी का नाम क्या था? तो 1960 में जो प्रथम केस मिला था उसका नाम था न्यूट जॉनसन, जो साइकिलिस्ट था डेनमार्क का। नेक्स्ट है, वाडा का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी।
वाडा का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 में स्विट्जरलैंड लुसानी शहर में हुआ और इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। वर्तमान अध्यक्ष है जान फाहे, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट है दोस्तों, वाडा का गठन कब हुआ? तो 10 नवंबर 1999। नेक्स्ट है, वाडा का मुख्यालय कहाँ है? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। नेक्स्ट है, नाडा का फुल फॉर्म क्या है? तो नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। नेक्स्ट है, नाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाडा का मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, नाडा का गठन कब हुआ दोस्तों? तो नाडा का गठन हुआ 24 नवंबर 2005 नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, कैफीन की कितनी मात्रा डोपिंग के अंतर्गत आती है? तो 12 यूजी यानी कि म्यूग्राम प्रति एमएल से ज़्यादा होने पर यूरिन में यह डोपिंग के अंतर्गत प्रतिबंधित माना जाता है। नेक्स्ट है, नार्कोटिक्स के अंतर्गत कौन से रसायन आते हैं? तो अभी मैं जस्ट बताई हूँ कि नार्कोटिक्स के अंतर्गत मॉर्फिन, हेरोइन, पैथिडिन, एल्फाप्रोडाइन, एनिलिडाइन आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हीरोइन, मॉर्फिन, एल्फाप्रोडाइन, एनिलिडाइन। नेक्स्ट है, विमेटानाइट, क्लोथाइडोन, ट्राइमेटरिन आदि रसायन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? यह सभी डायुरेटिक्स के अंतर्गत आते हैं, जो शरीर के भार को कम करता है। नेक्स्ट, एक ड्रग्स जो सिर्फ पुरुषों के लिए प्रतिबंधित है वो कौन सा है? वह है कोरियोनिक गोनोडोट्रोफिक। नेक्स्ट है, बोन मैरो के स्टेम कोशिका को आरबीसी बनाने के लिए कौन सा प्रतिबंधित रसायन उत्तेजित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह है एरिथ्रोपोएटिन। क्या है? एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन, जिसका शॉर्ट में ईपीओ बोला जाता है। शॉर्ट में क्या बोला जाता है? ईपीओ। एरिथ्रोपोएटिन को शॉर्ट में ईपीओ बोला जाता है, जिसका संबंध आरबीसी से होता है। ईपीओ एक ग्लूकोप्रोटीन होता है, जो इसका उत्पादन किडनी से होता है। इसका मुख्य कार्य ईपीओ का होता है, एरिथ्रोपोएटिन का आरबीसी के उत्पादन को नियंत्रित यानी बढ़ाना। यह जो होता है एरिथ्रोपोएटिन, यह साइटोकिन होता है, जो आरबीसी के लिए बोन मैरो की में प्रीकर्सर का कार्य करता है। और ईपीओ द्वारा बोन मैरो की जो स्टेम कोशिका होती है उसको उत्तेजित किया जाता है, जिससे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का उत्पादन बढ़ जाता है और मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। और हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तो ज्यादा सहनशीलता होगा, ज्यादा समय तक इंसान बिना थके कार्य करेगा, जो अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। और कृत्रिम रूप से इसके सेवन से सहनशीलता तथा स्टेमिना बढ़ जाता है, जिससे रक्त द्वारा ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा रसायन आरबीसी के उत्पादन को बढ़ाता है? तो एरिथ्रोपोएटिन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ ये था आपका खेल चिकित्सा का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आपका सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।